गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस इट्स अवर कंप्यूटर क्लास आइए से स्टार्ट करते हैं हम लेसन थ्री मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर्स हमने फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करना है इस चैप्टर में उसके बारे में जानेंगे ये चैप्टर आपका पेज नंबर ट्वेंटी फोर पे है स्टार्ट करते हैं लर्निंग इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में हम क्या क्या लर्न करेंगे विंडो सेवन एंड इट्स फीचर विंडो सेवन और इसके फीचर्स के बारे में डेस्कटॉप टास्क बार आइकन्स के बारे में विंडो एक्सप्लोरर के बारे में व्यूइंग कॉन्टैक्ट कॉपिंग एंड मूविंग फाइल फोल्डर डिलीटिंग एंड रिस्टोरिंग फाइल फोल्डर फाइंडिंग अ फाइल फोल्डर कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप डेस्कटॉप गडगेस्ट इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे स्टार्ट करती हैं विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एक्ट एंड इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर ये क्या करता है बेटा विंडो क्या एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़र और हार्डवेयर के में इंटरफेस कराता है हमारी बात करवाता है इट इज़ मैनेज दर मैनेज द रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज प्रोवाइज प्रोवाइड्स कॉमन सर्विस ऑफ अदर सॉफ्टवेयर ये क्या करता है बेटा मैनेज करता है रिसोर्स को जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं उनको सोर्स करता है स्टोर करता है प्रोवाइड करता है उनको सर्विस प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर की कीप रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन डिलेशन कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ फाइल्स ये क्या करता है उनको इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो भी वो इंफॉर्मेशन होती है उनको देता है उसको कॉपी करना है डिलीट करना है स्टोर करना है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती है द फर्स्ट जीजो आई एडिशन एडिशन ऑफ विंडो फीचरिंग आ न्यू यूज़र इंटरफेस वाज इंट्रोड्यूस इन नाइनटीन एंड वी वही कॉल्ड विंडो नाइन्टी फाइव जो हमारा जो फर्स्ट इंटरफेस था वो बेटा विंडो नाइन्टीन नाइन्टी फाइव था जिसे हम बोलते हैं विंडो नाइन्टी फाइव इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूज रिसर्च लेड टू द डिवेलपमेंट ऑफ़ एडवांस एडिशन ऑफ विंडोज नेम द विंडो नाइन्टी एट इसके बाद कौन सी विंडो आई विंडो नाइन्टी एट विंडो टू थाउजेंड विंडो मी विंडो एनए विंडो टू थाउजेंड थ्री विंडो एक्स पी विंडो विस्टा विंडो सेवन विंडो एट विंडो टेन ये इसके जो एडिशन वो इसकी रिसर्च है वो आगे आगे चलती गई और इसकी आगे आगे विंडोज़ की डेवलपमेंट होती गई द मोस्ट रिसर्च रिलीज प्रीवियस ऑफ विंडो एट इज़ अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग इन फोर्टीन लैंग्वेज जो हमारी विंडो एट है वो चौदह लैंग्वेज में बेटा हम डाउनलोड कर सकते हैं फीचर्स ऑफ विंडो सेवन हम विंडो सेवन के फ़ीचर्स के बारे में जानेंगे विंडो सेवन बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज इट इज़ यूज यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट यह क्या है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट है हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस पर वर्क कर सकते हैं द साइलेंट फीचर विडोज सेवन आर फॉलो जो इसके फीचर्स हैं वो ये है बेटा इसके बारे में जानते हैं इट इज़ ईज़ी टू यूज एंड लर्न फास्टर मोर लाइबल एंड स्क्योर ये इसको यूज़ करना ईजी होता है फास्ट होती है लाइबल होती है और सिक्योर होती है बेटर मेमरी मैनेजमेंट इसमें मेमोरी मैनेजमेंट ज़्यादा होती है मोर पर्सनल ये पर्सनल है यू कैन रिकॉर्डेड योर डेस्कटॉप विद द न्यू थीम्स स्लाइड शो फ्राम हैडिंग गेट गेट्स आप क्या कर सकते हो बेटा न्यू थीम्स इसमें डाल सकते हो अपने जो भी आपने हैंडी हैंडी ग्रेडुट्स को गैज इसको डालने हैं वो भी आप डाल सकते हो इसको अपने अकॉर्डिंग आप चला सकते हो जंप लिस्ट इज विंडो सेवन टास्क यू राइट द डॉक्यूमेंट पिक्चर सॉन्ग्स और वेबसाइट यू क्वाइट ऑफ्टन सिंपली बाय राइट क्लिकिंग द प्रोग्राम बटन ऑन द टास्क बार आप क्या कर सकते हो बेटा राइट right क्लिक करके टास्क बार में आप नेक्स्ट से नेक्स्ट जो भी आपने जंप करना होता है जिस लिस्ट पे आप उस लिस्ट पे जा सकते हो अ लिस्ट ऑफ फाइल्स इन द प्रोग्राम पॉप्स अप विच यू हैव रिसेंटली ओपन जो आप क्या कर सकते हैं लिस्ट ऑफ फाइल्स इन द प्रोग्राम पॉप्स अप विच यू हैव रिसेंटली ओपन जो आप रिसेंटली ओपन कर सकते हो उस टास्क बार में आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हो यू कैन जंप टू एनी फाइल बाई क्लिकिंग ऑन द ऑन इट इज इन द लिस्ट आप इस लिस्ट पे राइट क्लिक करके नेक्स्ट जो लिस्ट है आप वो ओपन कर सकते हो आप दूसरी लिस्ट पे आप जंप कर सकते हो इन विंडो सेवन यू कैन पिन फेवरेट प्रोग्राम एनी वेयर ऑन द टास्क बार ऑफ इजी एक्सेस आपका जो प्रोग्राम्स है जो आपके फेवरेट प्रोग्राम उसको टास्क बार में इजी एक्सेस कर सकते हो टास्क बार में रख सकते हो इन विंडो सेवन टम्बलेन थम्बलेन व्यू द ओपन प्रोग्राम आर अवेलेबल ऑन द डेस्क टास्क बार जो आपके प्रोग्राम है जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो उसको टास्क बार में रख सकते हो मूव माउस पॉइंटर ओवर एनी थम द प्रीवियस इनिट द फुल स्क्रीन आप उसको फुल स्क्रीन पे लेके आने के लिए उस पर माउस से क्लिक करके उसको फुल स्क्रीन पे ला सकते हो क्लिक द ओपन द प्रोग्राम विंडो आप उस पर ओपन करोगे उस आइकन पे तो वो आपके फुल स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा विंडो प्रोवाइड्स द एरो दरोपीक फीचर दैट दैट मेक्स योर ओपन विंडो ट्रांसपेरेंट विद ये क्या करता है बेटा ये पिक फीचर है जो आपकी विंडो ट्रांसपेरेंट uh, करता है विद शो डेस्कटॉप बटन जो आपका डेस्कटॉप बट, पे बटन है उसको आप क्लिक करके आपका कोई भी जो फाइल्स या फोल्डर है आप उसको ओपन कर सकते हो शो डेस्कटॉप बटन एट द राइट एंड ऑफ द टास्क बार सो दे कैन यू दैट यू मे सी डेस्कटॉप जो आप अपने डेस्कटॉप पे देखना चाहते हो उसे आप इजली देख सकते हो पर्सनलाइज्ड वर्क एनवायरनमेंट थ्रू मल्टीपल यूजर सपोर्ट आप मल्टीपल यूजर के सपोर्ट से आप अपना पर्सनल को भी, कोई भी काम है वो अपने एनवायरनमेंट में आप उसको कर सकते हो लेट्स यू एन्जॉय म्यूजिक वीडियो एंड हाई डेफिंशी गेम्स ऑन योर होम पी आप अपने घर पर इन सभी को इंजॉय कर सकते हो म्यूजिक को वीडियो को और गेम्स को स्पोर्टिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी जो आप ग्लोबल कनेक्टिविटी है उसके साथ सपोर्ट कर सकते हो जैसे रिसीव एंड सेंड ईमेल्स ईमेल्स को सेंड कर सकते हो उनको व्यू फाइल्स फाइल का व्यू देख सकते हो रन प्रोग्राम प्रोग्राम को रन कर सकते हो ऑन योर कंप्यूटर फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड आप कहीं पे भी हो आप अपनी ई को सेंड कर सकते हो रिसीव कर सकते हो फाइल्स का व्यू देख सकते हो अपने प्रोग्राम्स को चला सकते हो ये थी बेटा विंडो ये डेस्कटॉप है आपका यहाँ पे शो हो रहा है

हमको सर्विस प्रोवाइड करना है यू कैन ऑल्सो फाइंड वेरियस आइकन लाइक ऑब्जेक्ट शॉर्ट कट आइकन जो आपने आइकन्स को बनाए हुए हैं है। बेटा इनको आप शॉर्ट में रख सकते हो इनको बोलते हैं आइकन्स इसको आप डेस्कटॉप पे रख सकते हो जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो डॉक्यूमेंट्स आइकन डिस्क ड्राइव आइकन एक्सेट्रा जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है वो आप यहाँ पे अपनी डेस्कटॉप पे रख सकते हो टास्क बार यू विल फाइंड द टास्क बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन दैट डिस्प्ले द स्टार्ट बटन ऑन द एक्सटर्म लेफ्ट साइड आपके स्टार्ट बटन ये हमारा लेफ्ट साइड पर द मिडल एरिया ऑफ द टास्क बार इज नोन एज क्विक लंच बार इसको क्या बोलते हैं हम क्विक लंच बार वेयर यू कैन पिन द प्रोग्राम बाय ड्रैगिंग द प्रोग्राम शॉर्ट्स शॉर्टकट फ्रॉम द डेस्कटॉप और स्टार्ट मेन्यू आप यहाँ पे बेटा शॉर्ट रख सकते हो रख सकते हो इसको हम बोलते हैं कंपनीज ऑफ ओपन एप्लीकेशन इसको हम डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं इट होल्ड दोटिफिकेशन एरिया ऑन द राइट साइड इसका जो राइट साइड है वो नोटिफिकेशन एरिया है मैं नोटिफिकेशन देगा कि हमारा क्या क्या ओपन है विच इंक्ल्यूड द क्लॉक एंड ग्रुप ऑफ आइकन्स दैट प्रोवाइड अ नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पे इसका क्लॉक होता है और नेटवर्क का आइकन होता है यहाँ पर हमें नेटवर्क के बारे में पता लगता है इनकमिंग मेल जो हमारी मेल्स आती है वहाँ पे शो होती है बैटरी स्टेटस बैटरी स्टेटस शो करता है कि हमारी बैटरी कितनी रह गई वॉलीम एक्शन सेंटर एक्जैक्ट्रा यहाँ पे हमारा वॉलीम भी शो होता है नेट शो होता है टाइम शो होता है और जो हमारी रिसेंटली ओपन आइकन है उनके बारे में ये शो करती है दीज आइकन रिप्रजेंट द प्रोग्राम दैट आर ऑर्डर्ड इन रोम एट द टाइम ऑफ सेटअप ये क्या करते हैं बेटा दीज आइकन रिप्रजेंट द प्रोग्राम ये प्रोग्राम को रिप्रजेंट करती है ये आइकन जो जो हमारे ओपन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे यहाँ पे कंप्यूटर में ये ये वर्क हम चालू कर रहे हैं ये वर्क हमारा चल रहा है ये है टास्क बार इसके आगे का चैप्टर बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक यू